हेलो फ्रेंड्स, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एडवनटेक की क्लास ली थी जिसके अंदर 234 ए बी सी के बारे में बताया था। एडवनटेक्स कब लगाया जाता है ये भी बताया था कि 10,000। हाँ, थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ लास्ट क्लास का। एडवनटेक्स मैंने कल बताया था कि एडवनटेक्स कब लगाया जाता है, जब आपके फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एसएससी का 10,000 से ज़्यादा टैक्स बन रहा है तो हमारा एडवनटेक्स की लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाती है। एडवनटेक्स अगर आपका TDS डिडक्ट हो चुका है और फिर भी आपके पास एडवनटेक्स की लाइबिलिटी आती है, जैसे FDR पर इंटरेस्ट हुआ जो बैंक आपको 10% काटता है, डिडक्ट करता है, लेकिन आप 20% स्लैब में आ रहे हैं तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर आपका टैक्स पूरे साल में ओवरऑल 90% से कम डिडक्ट हुआ है, मींस फुली ईयर में 90% से कम डिडक्ट हुआ है, आपके पास 234B की लाइबिलिटी आ जाएगी। मैंने आपको कल दो तीन सेक्शन में फर्स्ट ये बताया था कि एडवांस टैक्स कब आता है, 10,000 मोर देन टैक्स लाइबिलिटी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा कि अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी आती है एक फुली फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एसएससी के लिए तो हमारी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी हमारे पास क्रिएट हो जाती है। एक ये बताया था इसमें मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड एसएससी ओनली इनकम पेंशन एंड इंटरेस्ट, इनके ऊपर एडवनटेक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर किसी भी एसएससी कोई 75 ईयर्स ओल्ड है, मतलब इससे अबव है, उसकी दो ही इनकम है ओनली, एक तो पेंशन इनकम और एक इंटरेस्ट की इनकम, जिस बैंक में उसकी पेंशन आ रही है उसी में अगर उसकी FD है और उसका इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है तो उस पर एडवनटेक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। एडवनटेक्स की लाइबिलिटी दो चीज़ों पर नहीं आती है, एक तो आता है कैपिटल गेन और एक डिविडेंड पे। अगर आपकी कोई इनकम, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल डाउन की है या शेयर्स बेचे हैं, उस पर कैपिटल गेन अराइज हुआ है और आपका टैक्स बन रहा है 50,000 और आपने डिडक्ट नहीं किया या टैक्स नहीं जमा कराया है आपने पूरे फुली ईयर में, लेकिन आपका टैक्स 10,000 से अबव है फुली फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपकी केस में अगर कैपिटल गेन एडवनटेक्स नॉट अप्लाइड, फर्स्ट आता है कैपिटल गेन, दूसरा डिविडेंड इनकम। एडवन टैक्स की लाइबिलिटी दो में लेती है, कैपिटल गेन पर कि अगर आपका कैपिटल गेन अराइज हुआ है कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करने में, कोई भी लैंड सोल्ड करने में, शेयर्स में, कोई भी ज्वेलरी में, अगर वो 10,000 से ज़्यादा का है फिर भी आपके ऊपर एडवन टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और 234B C का इंटरेस्ट क्लेम नहीं होगा, ना ही इन पर लाइबिलिटी क्रिएट होगी कैपिटल गेन की। एक डिविडेंड इनकम, पहले इस फाइनेंशियल छोड़ के पहले ये था कि अगर आपके पूरे फुली ईयर में 10 लाख तक अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो फुली एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी टैक्स जो कंपनी डिविडेंड आपको देती है वो 16.5% आपको 16.5% ऑलरेडी उस डिविडेंड पे गवर्नमेंट को जमा करा देती है और आपको उसके बाद ट्रांसफ़र करती है। लेकिन इस साल से मीन्स 19-20 से न्यू सेक्शन इंसर्ट हुई थी 20-21 से कि अगर आपका डिविडेंड 5,000 से ज़्यादा का है फुल ईयर में तो आपके ऊपर 10% TDS कट के आपको पेमेंट कंपनी करेगी, क्योंकि 16.5% वो कंपनी का वो रूल्स हट गया है। जब मैं आपको TDS पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बता दूंगा। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी पता चल गया है कि आपको 10,000 से ऊपर है और 75 नहीं आएगी। अब मैं कल बताया था 234A सेक्शन, 234A कब लगाया जाता है, अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करी है और आपके पास लाइबिलिटी बन रही है टैक्स की लाइबिलिटी बन रही थी तो जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल किया उसका उस पीरियड का, जैसे 31 जुलाई ड्यू डेट, आपने रिटर्न फाइल किया 3 सितंबर तो आपको
टू मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना होगा 1% पर मंथ, बराबर। सेक्शन 234 बी, 234 बी क्या कहती है, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो गया कि आपकी टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है फुली फाइनेंशियल में, लेकिन आपका ओवरऑल टैक्स जो आपका बन रहा था आपका एडवांस टैक्स एंड TDS वो 90% से कम जमा हुआ है, मीन्स इंटरेस्ट सेक्शन 234 बी एप्लीकेबल व्हेन डिपॉजिट एडवांस टैक्स एंड डिडक्ट TDS बिलो 90% ऑफ ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्स लाइबिलिटी 90% से कम डिपॉजिट हुई है, TDS कम डिडक्ट हुआ है, तो 234B की लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 1% हुई पर मंथ, 1% पर मंथ कब से लगेगा, 1 अप्रैल जो भी आपका असेसमेंट है चालू होता है और जिस डेट तक आपने रिटर्न फाइल की है। इसमें पार्ट ऑफ द मंथ नहीं होगा, जैसे आपने 3 सितंबर को जमा करा दिया फाइल कर दी TDS की रिटर्न, और या आपने 15 को किया है तो वो पूरा फुली मंथली आपको काउंट होगा। तो 234B कहते हैं कि आपको अगर आपने 90% से कम जमा कराया TDS की लाइबिलिटी, TDS या जो भी हमारा टैक्स बन रहा है, तो आपको 234B आपके पास एप्लीकेबल होगा। इस पर भी अगर कैपिटल गेन और किसी भी प्रॉपर्टी का आपने सोल्ड आउट किया है या डिविडेंड इनकम है, तो 234B भी नहीं लगेगी। मींस ओवरऑल हम देखते हैं तो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सोल्ड की है कैपिटल गेन अराइज में, आपको एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। अब लेता हूँ 234C, इसका एग्जाम्पल कल 234C बताया था मैंने, 234 इंटरेस्ट, इसकी मैं टेबल वापस से बनाता हूँ, कल भी मैंने बनाई थी और इसका एग्जांपल आज लेता हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, ठीक है, अप्रैल टू जून के लिए आपके पास आपको 15% ऑफ टोटल टैक्स का जमा कराना है, लेकिन आपको लिमिट है मिनिमम की, आपको इतना मिनिमम लिमिट, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम है 12% ऑफ टोटल टैक्स। कब तक जमा कराना है, पीरियड 15 जून फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर कहता है, अप्रैल टू जून हमारा आता है, मैक्सिमम मेरे पास टैक्स की लाइबिलिटी, मैक्सिमम टैक्स होगा वो 15%, मिनिमम मैं 12% जमा करा सकता हूँ टोटल टैक्स का, और कब तक जमा कराना है, 15 जून फॉर द फाइनेंशियल, किसी भी फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर क्या कहते हैं, जुलाई टू सेप्टेम्बर 45% ऑफ टोटल टैक्स, मैक्सिमम आप 45% जमा करा सकते हैं और मिनिमम 36%, पीरियड क्या है इसका, 15 सितंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर टू
दिसंबर, यहाँ आपको 75% तक जमा कराना है, मिनिमम भी इतना ही कराना है आपको। इसका पीरियड है 15 दिसंबर। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर, जैन टू मार्च 100%। फिफ्टीन मार्च, ठीक है। ये कहता है 234C, चार क्वार्टर हैं, इस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 3 मंथ के हिसाब से होगी, 1% ऑफ पर मंथ। मैक्सिमम मेरे को फर्स्ट क्वार्टर 15% टोटल टैक्स जमा कराना था, लेकिन मैं मिनिमम 12% तक अगर जमा करा देता हूँ ओवरऑल टैक्स का, तो मेरे पास 234C की लायबिलिटी नहीं आएगी, आई मीन मेरे पास इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 15 जून है, सेकेंड क्वार्टर में 45% मैक्सिमम, मीन्स यहाँ तक मेरा 45% जमा हो जाना चाहिए। ये कहता है आप 36% ओवरऑल टैक्स जमा करा सकते हो, 12% ऑलरेडी जमा करा दिया तो आप यहाँ 24% ओवरऑल टैक्स जमा करा सकते हो, 234C की लायबिलिटी आप ऊपर नहीं आएगी बिल्कुल भी, और इसकी डेट है 15 सितंबर। थर्ड क्वार्टर क्या कहता है, अक्टूबर टू दिसंबर में आपने जो भी कमाया, आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, उसका 75% आपको यहाँ तक जमा कराना है, मीन्स 15 आप यहाँ जमा, यहाँ तक आप 45 जमा करा चुके हो, तो यहाँ 30% और जमा कराना है, ठीक है। अब मिनिमम ये कहता है कि 75% टोटल टैक्स का, ये कहता है कि आप फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आपने कम जमा करा है 48%, लेकिन आपको थर्ड क्वार्टर तक 15 दिसंबर तक 75% जमा कराना है। कभी क्या होता है, एसएससी के पास बिजनेसमैन है, फर्स्ट क्वार्टर में पैसा नहीं आता क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हुआ, 31 मार्च खत्म हुआ फाइनेंशियल लास्ट ईयर वाला, फर्स्ट क्वार्टर में कुछ रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो वो कम टैक्स जमा करा देता है। सेकेंड क्वार्टर में भी ऐसा होता है, लेकिन थर्ड क्वार्टर तक गवर्नमेंट कहती है सर ओवरऑल टैक्स का मेरे को 75% चाहिए। तो 234C का मैंने आपको बता दिया, चार्ट बनवाया हुआ है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ सकता है कि मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, आपका पीरियड कब है आपका जमा कराने का, आपका इस पर इंटरेस्ट कलेक्शन कैसे होगी, 3 मंथ्स का एक साथ लगेगा इस पर 3 मंथ्स का, तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है आपके पास, जब आपके 10,000 रुपये से ज़्यादा का आपका टैक्स बन रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर्स में। अगर आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कभी नहीं आएगी। एक न्यू अमेंडमेंट इस साल आया है कि 75 ईयर्स से अगर ज़्यादा के कोई पर्सन है, उससे मतलब 76 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, उसकी दो ही इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम ऑन FD एंड सैलरीड, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, और ना ही कैपिटल गेन पर कैपिटल गेन पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है, आपने उस पर 10 लाख रुपये कमाए कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो उस पर कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कभी भी नहीं आएगी इस चीज़ के लिए। तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के लिए हम 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं MCQ में, कब आती है, 10,000 से ज़्यादा का बन रहा हो आपका, या आपने रिटर्न फाइल 139(1) और 142(1) में की। 234A की लायबिलिटी कब आती है, जब आपने ड्यू डेट्स पर आपने रिटर्न फाइल नहीं की हो और आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी तो उस महीने का 1% पर मंथ। 234B कब आता है, आपने ओवरऑल टैक्स का 90% से कम जमा कराया हो, जिसमें एडवांस टैक्स और TDS दोनों को इंक्लूड करते हैं। 234C की लायबिलिटी चारों क्वार्टर में आती है कि आपने क्वार्टर वाइज आपने टैक्स कम जमा कराया है, तो उस पर इंटरेस्ट की पेनल्टी प्रोविजंस रहेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ 234C के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी मिस्टर एक्स है, उसकी टैक्स लायबिलिटी 45,500 बन रही है, मतलब उसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 35,500 रुपये जमा कराने हैं, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में उसने 8,000 रुपये जमा कराए, सेकेंड क्वार्टर में 11,000 रुपये जमा कराए, थर्ड क्वार्टर में 12,000 रुपये और फोर्थ क्वार्टर में 14,500, ओवरऑल उसने 45,500 रुपये जमा करा दिए। लेकिन 234C एप्लीकेबल होगा वो हमें एक बार चेक करना होगा, हमारी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम। मेरे को फर्स्ट क्वार्टर में ओवरऑल टैक्स का मैक्सिमम 15% जमा कराना होता है, अगर मैंने 15% तक जमा करा दिया तो ठीक है, लेकिन 234C की लायबिलिटी आनी है, उसके लिए मेरे को 12%
अगर मेरा ओवरऑल टैक्स का मैंने 12% तक जमा करा दिया है तो मैं 234C की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर 12% से कम है तो 234C की लाइबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। सेकेंड क्वार्टर में 45% जमा हो जाना चाहिए, जिसका ऑलरेडी मैं 15 जमा करा चुका हूँ, तो 30% मेरे को जमा कराना है सेकेंड क्वार्टर तक। इसकी लाइबिलिटी मिनिमम 36%, गवर्नमेंट कहती है आपकी सेकेंड क्वार्टर की लाइबिलिटी मैक्सिमम 45% थी, लेकिन 234C एप्लीकेबल ना हो, अब मिनिमम 36% ओवरऑल टैक्स का जमा करा दें। थर्ड क्वार्टर में 75% मिनिमम 75, क्योंकि हमारे थर्ड क्वार्टर दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है और फाइनेंशियल ईयर आने वाला होता है न्यू वाला, और फोर्थ में आपको 100% ही होता है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 15% पहले निकालता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 45,500 का मेरा 15% 6,825 रुपये बनता है। मिस्टर एक्स को फर्स्ट क्वार्टर में 15 जून तक 6,825 रुपये जमा कराने थे, एसएससी ने 8,000 रुपये जमा करा दिए, तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने और एक्स्ट्रा जमा करा दिया एडवांस टैक्स, तो 234C एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड क्वार्टर में 45,500 का 45% मी 20,475 रुपये, मिस्टर एक्स को मैक्सिमम 20,475 रुपये जमा कराने थे सेकेंड क्वार्टर में, मीन्स 15 सितंबर तक, लेकिन एसएससी ने कितने जमा कराए 19,000 रुपये, 8,000 रुपये फर्स्ट क्वार्टर में, 11,000 रुपये सेकेंड क्वार्टर में ओवरऑल, लेकिन एसएससी ने 1,475 रुपये कम जमा कराए। लेकिन 234C के लिए हम देखेंगे कि 36% जमा कराना था मिनिमम, तो मेरा कितना आता है 16,380 ओवरऑल टैक्स का। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, एसएससी ये कहता है कि भाई 19,000 रुपये जमा करा चुका हूँ मैं सेकेंड क्वार्टर तक, मुझे वैसे मैक्सिमम लिमिट मेरी 20,475 थी, लेकिन 234C का मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगे, मुझे 16,380 रुपये जमा कराने थे लेकिन मैंने 19,000 रुपये जमा करा दिए हैं, तो 234C फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर तक नहीं लगेगा। अब आती थर्ड क्वार्टर की बात, थर्ड क्वार्टर में हमें 75% ओवरऑल टैक्स का जमा कराना होता है, मैक्सिमम हम 45% सेकेंड तक जमा कराते हैं, तो 30% थर्ड क्वार्टर में जमा कराना होता है, मिनिमम में हम इतना जमा कराते हैं 75, मिनिमम मैक्सिमम थर्ड क्वार्टर तक सेम रहता है 75%। हम 45,500 का 75% 34,125 रुपये होता है, मैक्सिमम भी इतना है मेरा, मिनिमम इतना है। गवर्नमेंट कहती है आपको थर्ड क्वार्टर तक एडवांस टैक्स 34,125 रुपये जमा कराना था 75%, लेकिन एसएससी ने 31,000 रुपये जमा कराया थर्ड क्वार्टर तक, 8,000 रुपये फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में 11,000 रुपये, थर्ड क्वार्टर में 12,000 रुपये, ओवरऑल 31,000 रुपये जमा कराया, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ 3,125 रुपये। यहाँ 234C की जो कैलकुलेशन होगी 1% ऑफ पर मंथ, वो क्वार्टरली होती, 3 मंथ्स का एक साथ ही लगाएगा। 234B में मंथ वाइज होता है कैलकुलेशन, 234A में भी मंथ वाइज होता है, लेकिन 234C में हमारा 3 महीने का एक साथ कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट थर्ड क्वार्टर का कैसे काउंट करेंगे हम, 34,000 रुपये 125 की लाइबिलिटी थी हमारी, लेकिन डिपॉजिट मैंने कितना कराया 31,000 रुपये, शॉर्ट इन टैक्स कितना है 3,125 रुपये मेरा शॉर्ट रहा टैक्सेस में। थर्ड क्वार्टर में मेरी लाइबिलिटी कितनी आएगी 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए, तो 3,125 रुपये। हाँ, अब आता है राउंडिंग ऑफ, यहाँ 5 रुपये है 25 रुपये, तो हम इसको 20 रुपये कर देंगे, अगर ये मेरा 26 रुपये होता तो 3,130 रुपये पे हम टैक्स कैलकुलेट करते, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, 3,020 रुपये पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आया 93 रुपये, 93 रुपीज़। थर्ड क्वार्टर में मेरा 3,125 का शॉर्टफॉल रहा इंटरेस्ट, वो टैक्स 93 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट बनेगा, फोर्थ क्वार्टर में सेम रहेगा क्योंकि मैंने ओवरऑल टैक्स कम जमा करा चुका हूँ। ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 234C, B और A की, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर में, जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आपको पे करना होगा, ये नहीं कि आप थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर में इसको पे कर सकते, नहीं, जब आपके रिटर्न फाइल कर रहे हों तो 234B, C, A तीनों को इंटरेस्ट एक साथ ही निकलेगा इस चीज़ के लिए। तो हमने कैलकुलेट करके देखा 1% 3 मंथ्स का 93 रुपये हमारा 93 रुपीज़ हमारा
इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब हम यहाँ जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, मान लो आपका टैक्स बन रहा हो मिस्टर एक्स का 115,000 रुपये, इसमें TDS डिडक्ट होगा 50,000। आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया, ये शॉर्ट रहा मेरा, शॉर्ट टैक्स रहा, तो एक तो 234 भी अप्लाई हो गया, अप्लाई बिकॉज लेस देन 90%, 234 से अप्लाई हो गया क्योंकि इन्होंने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कम किया था। तो ऐसे हम सिस्टम्स कैलकुलेट कर लेगा खुद ही, असेस टैक्स मेरा 15 था, TDS डिडक्ट हो गया, एडवांस टैक्स मैंने जमा करा दिया, शॉर्ट टैक्स कितना रहा, तो क्वार्टरली हम देखेंगे कि हमारा टैक्स कितना लगा और कितना चाहिए था और कितना हमने पे किया। तो एडवांस टैक्स में बस इतना ही है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी मिनिमम लाइबिलिटी कितनी थी, 10,000 रुपये। एडवांस टैक्स किस पर अप्लाई नहीं होता, कैपिटल गेन पे, डिविडेंड पे, अगर आपका 10,00,000 से कम को आपको डिविडेंड मिला है तो आपको नहीं अप्लाई होगा एडवांस टैक्स। अभी नई सेक्शन आई है, अभी अमेंड हुआ 31 मार्च, इसमें जो 2021 का बजट आया है कि एडवांस टैक्स किस पे अप्लाई नहीं होगा, जिस असेसी की एज 75 ईयर्स ओल्ड है, इससे ज़्यादा की है और उसकी दो ही इनकम है, एक तो पेंशन और एक दूसरा आपका इंटरेस्ट ऑन FD, तो उस पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ज़्यादा है कि एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, मीन्स हम टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, तो कौन कौन सी सेक्शंस अप्लाई होती हैं, 234A, B, C। ए कब लगती है आपकी, आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं की है और आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट टैक्स आपके ऊपर लाइबिलिटी और आपने जमा नहीं कराया है। बी कब लगती है आपके पास, अगर आपने ओवरऑल टैक्स का 90% से कम जमा कराया है फुली फाइनेंशियल ईयर्स में, तो आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कब क्रिएट हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट पूछ सकता है कब कितनी है, 1% ऑफ पर मंथ, ठीक है, कब से अप्लाई होगा 234C के क्वार्टरली टैक्स लाइबिलिटी पूछ सकता है, 15, 45, 75, 100, मिनिमम कितनी 12, 36, 75, 100 जो भी है, और ड्यू डेट्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। तो ये 234C ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेट की मैक्सिमम मिनिमम और टाइम पीरियड कितना है वो पूछ सकता है इसके लिए। अब मैं आपका नया टॉपिक एक लेता हूँ, एक का TDS का, इसके बाद टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्सेज। TDS क्या होता है, एक एडवांस टैक्स का ही पार्ट होता है, एडवांस टैक्स हम खुद जमा करा देते हैं असेसी, TDS सामने वाला जमा कराता है, दोनों में डिफरेंस है लेकिन दोनों ही एक ही चीज़ है कि एडवांस टैक्स की ही लाइबिलिटी, मतलब हमारा टैक्स पहले ही जमा हो गया उसी फाइनेंशियल में जिस साल हमने इनकम अर्न की है, अक्रूड बेसिस पे और रिसीव बेसिस पे दोनों में ही हमारा TDS जमा हो गया। एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी असेसी के ऊपर आती है जो रिटर्न फाइल कर रहा है कि वह खुद ही जमा कराएगा, TDS की लाइबिलिटी सामने वाले के ऊपर आती है जो उसका जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, जैसे एम्प्लॉय हुआ एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है तो लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की होगी, किसी भी बिजनेसमैन की होगी, किसी भी पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटी होगी, जैसे बिजनेसमैन ने किसी भी सर्विस का पेमेंट किया तो वो TDS काट के पेमेंट करेगा। अच्छा, TDS कब काटना होता है, जब आपकी टैक्स ऑडिट हो रही हो,
एक सिंपल पर्सन जैसे किसी का टर्नओवर हमारा 30 लाख रुपए का है और वह किसी चीज़ का पेमेंट करता है तो टीडीएस लायबिलिटी नहीं आएगी। जिस असेसर की ऑडिट हो रही हो उसकी टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है। अगर किसी असेसर ने 44AD और 44ADA में, 44AD किसके लिए होती है, किसी भी ट्रेडर्स के लिए, पर्सन के लिए, 44ADA होती है प्रोफेशनल्स के लिए जिसमें डॉक्टर्स, जजेज, CA, इंजीनियर, आर्किटेक्ट होते हैं। अगर इन दोनों के अलावा वह ऑडिट करवाता है, अगर किसी असेसी ने 44AD और 44ADA में रिटर्न फाइल की है तो TDS की लायबिलिटी के ऊपर नहीं आएगी। लेकिन किसी भी असेसी ने जिसकी ऑडिट होती है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई, सोसाइटी हुई, जो भी है, अगर उनका ऑडिट बनता है, ऑडिट होती है, तो उनके ऊपर TDS की लायबिलिटी आएगी। TDS की लायबिलिटी कब आएगी? अगर वो किसी सर्विस का पेमेंट करते हैं, किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय का करते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, अगर उसकी लिमिट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो TDS काट के उसको पेमेंट करेगा। जिस असेसी की ऑडिट होती है, ट्रेडर हुआ है, सर्विस वाला हुआ, अगर वो किसी माल परचेज करता है, गुड्स परचेज करता है, उसका पेमेंट TDS काट के नहीं करेगा। अभी इस साल इसमें अमेंडमेंट आया है, इस साल एक नई सेक्शन आई TDS में, अगर कोई भी असेसी 50 लाख से ज़्यादा किसी भी असेसी से माल परचेज करता है तो उसके ऊपर TDS की लायबिलिटी इस साल से आई है, 21-22 से, मीन्स इस जो फाइनेंशियल चल रहा है, नहीं तो अब तक 31 मार्च 2021 तक ये था, अगर कोई भी असेसी गुड्स का पेमेंट करता है, मीन्स गुड्स का, अगर जैसे मेरी ऑडिट हो रही है, मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं TDS काट कर पेमेंट करूँ, ऑडिट होने पर TDS की लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। मैं किसी भी सर्विस का, जैसे AMC सर्विस ली मैंने, आरओ की सर्विस ली, या मैंने किसी प्रोफेशनल सर्विस ली, तो मैं TDS काट के उसका पेमेंट करूँगा और उसका जो मैंने TDS डिडक्ट किया है वो उसके पैन नंबर में जमा करा दूँगा, ठीक है। अगर मैंने किसी से माल परचेज किया 1 करोड़ रुपए का, मैं जैसे किराने का काम है मेरा या कोई भी ऐसा काम है जिसमें मैंने माल परचेज किया, ट्रेडर हूँ मैं, एक मैंने माल परचेज किया और बेच दिया, तो उसका पेमेंट मैं TDS काट के नहीं कर देता। लेकिन इस साल 21-22 से एक नई सेक्शन आई है TDS में, अगर आपने किसी एसएससी से 50 लाख से ज़्यादा का माल परचेज किया है तो उसका जो पेमेंट आपको रिसीव हुआ है वो TDS काट के डिडक्ट करेगा। अभी COVID-19 चल रहा था तो अभी 31 मार्च 2021 तक गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया था TDS में कि आपको TDS कितना 25% का डिडक्ट किया था। मींस अगर किसी का टैक्स 10% काटना था 194J में, जैसे प्रोफेशनल का TDS करता है 10%, तो उनका TDS 7.5% काटा जाए जिससे वर्किंग कैपिटल कम हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिल सके। तो ये वो 31 मार्च 2021 तक का था कि 25% का रिलीफ दिया गया था, लेकिन आपके एग्जाम अभी जुलाई 2021 में, तो वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी देखते हैं, लॉकडाउन लग रहा है तो हो सकता है वापस से आ जाए, लेकिन अभी आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आप नॉर्मल जो सेक्शंस हैं उसकी पर्टिकुलर वही पढ़ेंगे। जैसे 192 अंडर सेक्शन, सेक्शन से पहले मैं आपको एक ये बता दूं TDS का पेमेंट कब होता है। TDS पेमेंट डिपॉजिट्स एंड रिटर्न फाइलिंग करना, आपने किसी भी महीने में किसी भी असेसी का TDS काटा, आपको कम जमा कराना है। जिस महीने आपने TDS काटा है, डिडक्ट किया है, तो उसके नेक्स्ट मंथ सक्सेसिव मंथ के 7th, जैसे अभी आपका अप्रैल 2021 चल रहा है, आपने इस महीने में 10,000 रुपये TDS काटा किसी का, तो आपकी लायबिलिटी है कि आप नेक्स्ट ऑफ द मंथ 7th मई तक आपको वो TDS जमा कराना होगा। अगर आपने TDS जमा नहीं कराया है तो आपके ऊपर 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना होगा। मैं इसमें दो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जैसे
TDS deduct, but not deposit. ठीक है, TDS not deduct, फर्स्ट कहता है कि आपने TDS काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया। सेकंड कहता है TDS काटने की लायबिलिटी थी लेकिन आपने काटा ही नहीं, आपको ऊपर 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, इसमें 1%। असेसर की लायबिलिटी थी, आपको TDS काटना था लेकिन काटा नहीं, तो आपने बाद में काटा 6 महीने बाद जब आपको पता चला कि मेरी लायबिलिटी थी लेकिन मैंने काटा नहीं, तो जब आप उसको नेक्स्ट उसका पेमेंट करोगे तो उसमें से TDS काट लोगे उसका, लेकिन जो 1% इंटरेस्ट लगेगा वो आपकी वर्किंग कैपिटल में से लगेगा, सामने वाले की में से नहीं। तो गलती आपकी थी सामने वाले की नहीं, सामने वाले को तो पेमेंट आपने विदाउट TDS काट के दे दिया, TDS काट के देते तो ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही उसने मना किया। दूसरा आता है आपने TDS तो काट लिया सामने वाले का, पेमेंट कर दिया TDS काट के, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं कराया। जब तक आप डिपॉजिट नहीं कराओगे और रिटर्न फाइल नहीं करोगे TDS के, सामने वाले को उसके 26AS में शो नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझने के लिए, बहुत इजी है। मिस्टर एक्स TDS डिडक्ट किया इन्होंने 10,000 अप्रैल 2021 में, ठीक है। TDS डिडक्ट किया किसी भी पार्टी का, मीन्स मिस्टर बाई का, और जमा नहीं कराया एंड नॉट डिपॉजिट ऑफ 7th May 2021, क्योंकि आपको जिस महीने आपने TDS काटा है उसके नेक्स्ट मंथ की 7th तक आपको जमा कराना होता है, लायबिलिटी होती है। इसने जमा कराया अगस्त 20 अगस्त। मिस्टर एक्स ने किसी भी मिस्टर वाई का TDS काटा 10,000 रुपये अप्रैल 2021 में, डिपॉजिट कराने की डेट थी 7th May, अगले महीने आपको डिपॉजिट कराना होता है 7th May तक, ऑनलाइन पेमेंट होता है इसका, चालान कटा किसी भी सेक्शन में काटा हो 194J 192 194C आपको उसमें जब आप पेमेंट जमा कर रहे होते हैं तो उसमें सेक्शन डालना होता है कि किस सेक्शन में आपने पेमेंट किया है, किस सेक्शन का आप TDS काटा है। आपने डिपॉजिट कराया 20 अगस्त को, जब ये 20 अगस्त को जमा कराता हो है तो इसके ऊपर एक तो 10,000 रुपये तो चालान का जमा कराया जाएगा जो TDS काटा है, लेकिन इसके ऊपर TDS का इंटरेस्ट लगेगा जो 10,000 इसने अपने पास रखा, सामने वाले का पैसा, मिस्टर बाई का पैसा, इसने 10,000 रुपये अपने पास रखा, 6 महीने यूज किया, बल्कि ये पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए था, ठीक है। अप्रैल मई, अब इसके मई की लायबिलिटी थी 7th, तो इस पर लायबिलिटी कब आएगी, इस पर TDS की 1.5% लगेगा, 1.5%, क्योंकि इसने TDS काट के अपने पास रख लिया और पैसे का यूज किया, तो मई पूरे महीने के लगेगा इसमें, मई जून जुलाई एंड अगस्त, अगस्त में आपको 20 अगस्त तो जमा कराया लेकिन पार्ट ऑफ द नहीं है, सब फुल्ली मंथली लगेगा, फोर मंथ का किस अमाउंट पर लगेगा, 10,000 रुपये, तो कितना हुआ इसका 10,000 इंटू 1.5 इंटू 4 मंथ, ठीक है, तो आपका कितना बना इसके में, 600 रुपये, 0
ठीक है, मिस्टर एक्स ने टीडीएस किसी भी मिस्टर वाई का 10,000 रुपये काट लिए अप्रैल 2021 में। लायबिलिटी थी कि अगले महीने की 7th को उसको जमा कराना था, लेकिन इसने 20 अगस्त को जमा कराया, तो मई जून जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा टीडीएस अमाउंट पे, 10,000 इंटू 1.5% पर मंथ और इंटू 4 मंथ का 600 रुपये। जब आप चालान क्रिएट कर रहे होंगे इसका भरने के लिए, 10,000 रुपये टैक्स में जाएगा और इंटरेस्ट में अलग से आपको शो करना पड़ेगा 600 रुपये। अगर आपने एक साथ चालान बना दिया 10,600 रुपये का, टैक्स में इसको इंक्लूड कर दिया, तो कंसीडर नहीं किया जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसमें मेंशन होता है इंटरेस्ट, टैक्स, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सरचार्ज वगैरह, आप किस का पेमेंट कर रहे हो। तो टैक्स में हम 10,000 डालेंगे चालान में और 600 रुपये डालेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अब आता है टीडीएस नॉट डिडक्टेड। ऐसे ही आपने टीडीएस नहीं काटा, इसी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि भाई टीडीएस डिडक्ट नहीं, नॉट, आपने टीडीएस नहीं काटा और आपने टीडीएस काटा 20 अगस्त को, ठीक है, आपकी लायबिलिटी थी अप्रैल में लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपके पास 5 मंथ का आपके पास 1% के हिसाब से इंटरेस्ट क्लेम करना होगा, और ये पैसा आप अपने पास से ही दोगे, वाई से नहीं लोगे, गलती आपकी थी। तो इस पर कैलकुलेशन कितनी होगी, 10,000 इंटू 1 इंटू 5 मंथ, 700-500 रुपये, ठीक है। एमसी क्वेश्चन से बस पूछेगा, अगर एसएससी ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है और जमा नहीं कराया है तो इंटरेस्ट की पेनल्टी कितना है, 1.5% पर मंथ। अगर एसएससी ने टीडीएस काटने की लायबिलिटी थी लेकिन काटा ही नहीं है, तो उस पर अगर वो जब काटता है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1% ऑफ पर मंथ। तो रेट ऑफ पूछेगा इंटरेस्ट टीडीएस की, भाई डिडक्ट करने पर डिपॉजिट नहीं कराया है और डिडक्ट ही नहीं किया है तो क्या इंटरेस्ट रेट है। और अगर कोई एग्जाम्पल दे दिया इसके अंदर कि कैलकुलेट करके बताओ कि किसी भी एसएससी ने डिडक्ट कर लिया और वो डिपॉजिट नहीं कराया तो कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। अब आते हैं पेनल्टी प्रोविजन। आपने टीडीएस जमा तो करा दिया, ठीक है, लेकिन सामने वाले को शो कब होगा, जब आप रिटर्न फाइल करोगे। एक कुछ हाँ ये लिख सकते थे, टीडीएस डिपॉजिट डेट, टीडीएस डिपॉजिट डिपॉजिट की डेट कौन सी रहेगी, 7th ऑफ नेक्स्ट सक्सेसिंग मंथ, जिस महीने आपने डिडक्ट किया, जैसे अप्रैल का डिडक्ट किया है तो 7th ऑफ मई का जून, तो ये डेट पूछ सकते हो 7th ऑफ नेक्स्ट सक्सेसिंग में ऑनलाइन जमा होगा आपका चालान, ठीक है। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, अच्छा ये डेट है, ये वाली जो डेट है वो है अप्रैल टू फेब। अगर आपने टीडीएस अप्रैल से लेकर फरवरी में काटा है तो 7th ऑफ नेक्स्ट सक्सेसिंग मंथ। अगर आपका टीडीएस मार्च में कटा है, आपने काटा है मार्च में, तो गवर्नमेंट ने इसे रिलीफ दिए 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट मंथ। अप्रैल से लेके फरवरी तक का जो टीडीएस आपने काटा है उसे जमा कराने की डेट है नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th ऑफ नेक्स्ट सक्सेसिंग मंथ। लेकिन मार्च में क्या होता है, एडजस्टमेंट होते हैं सारी कंपनीज में, कुछ ड्यू बिल रह गए हैं या कुछ हैं बिल लेट आए हैं, तो उसके लिए आपके लिए पूरा 30 दिन का टाइम अलग से दिया जाता है 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट सक्सेसिंग मंथ। तो इसमें डेट पूछ सकता है आपको, या टीडीएस जब कैलकुलेट कर रहे हों कि एक एसएससी कहता है कि मिस्टर एक्स ने मार्च में टीडीएस काट लिया, माइंड में रहेगा कि मेरी 7th मंथ ऑफ अप्रैल है जमा कराने की, लेकिन नहीं, तो उस महीने का उसने जमा करा दिया 15 अप्रैल को, मार्च में किसी एसएससी ने टीडीएस काटा और उसने जमा कराया 15 अप्रैल को,
तो आप ये सोचो कि यार मेरी डेट तो 7th है, तो मेरे पास अप्रैल के पूरे महीने का 1.5% के कैलकुलेट करके मैं इंटरेस्ट जमा करा दूँ। नहीं, उसकी डेट है 30 अप्रैल। अगर आपने 1 मई को जमा कराया, 1 मई को, तो आपके ऊपर पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा TDS काट के जमा कराने का। आपने TDS काटा, जमा नहीं कराया, आपने जमा करा 1 मई को, लेकिन 1 मई को, तो उस पर 1 महीने का लगेगा, 2 महीने का TDS के इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। मैं एग्जांपल इसको चलो एक बार समझा देता हूँ एग्जांपल से भी। मिस्टर एक्स मार्च 2021 TDS डिडक्ट 10,000 रुपीज। ठीक है, डिपॉजिट डेट 15 अप्रैल, मार्च 2021 से TDS डिडक्ट किया, उसे जमा कराया 15 अप्रैल 2021 को, नो लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफ डिपॉजिट डेट 1 मई 2021, देन इंटरेस्ट लायबिलिटी क्रिएट। वन पॉइंट पर मंथ, तो इस पर कितना लगेगा, 10,000 पे 10,000 इंटू 1.5 इंटू पर मंथ 150 रुपये। ठीक है, अगर आपने 1 मई 2021 को जमा कराया TDS काट के, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट का पेनल प्रोविजन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी इंटरेस्ट की 150 रुपये। ठीक है, TDS डिपॉजिट डेट हो गई आपकी। अब TDS रिटर्न फाइल, TDS आपका मंथली जमा होता है नेक्स्ट मंथ, लेकिन TDS की जो रिटर्न फाइल होती है वो क्वार्टरली होती है, 1st क्वार्टर अप्रैल टू जून, फाइलिंग डेट 2nd quarter
अप्रैल टू जून की 31 जुलाई, जुलाई टू सितंबर 31, जिस क्वार्टर आपका ख़त्म हो रहा है उसके नेक्स्ट, उसके अगले महीने की एंड ऑफ द मंथ। अप्रैल टू जून का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी 31 जुलाई फाइलिंग डेट रहेगी, जुलाई टू सितंबर की 31 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी, और जनवरी टू 4 मार्च, इसके लिए हमें एक महीना एक्सटेंड मिलता है, क्योंकि जब हमारा मार्च का जो टीडीएस पेमेंट है उसके लिए हमें 7 अप्रैल नहीं है, उसकी 30 अप्रैल डेट है हमारी लास्ट डेट, तो हमें एक महीने इसमें एक्स्ट्रा और मिलता है 31 मई, क्योंकि हमारा 30 अप्रैल तक टीडीएस जमा होगा, उसके अगले महीने तक एक महीने और एक्स्ट्रा मिलता है आपको रिटर्न फाइल करने का। अगर हम इन ड्यू डेट्स पे नॉट रिटर्न फाइल करते हैं, फाइल, तो ₹200 पर डे की पेनल्टी है। अगर हमारा टीडीएस जमा कराने पे 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट, 1% पर मंथ, टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पे ड्यू डेट्स पे ₹200 पर डे की पेनल्टी एमसीक्यू में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट डेट कब है हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करने की, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड और फोर्थ की, फोर्थ क्वार्टर की ज़्यादातर पूछा, क्योंकि इसमें एक महीना में एक्सटेंड मिलता है। अगर हमने 31 जुलाई को टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया और हमने किया 15 अगस्त को किया या 2 अगस्त को किया, तो दो दिन का ₹200 पर डे के हिसाब से हमारा पेनल्टी प्रोविजन होगा, हमें ₹400 पे करना होगा। अगर हम पे नहीं करते हैं या लेट करते हैं तो नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर कि आपको इतना पेनल्टी प्रोविजन देना है। ठीक है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग डेट हो गई आपकी। अब आता है एक शॉर्ट नोटिस बताता हूँ इसका। आपको बेसिक एग्जम्पशंस बताई थी मैंने आपके लिए कि भाई 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक है, और 5 लाख से 10 लाख तक आपकी 10% है, वो 20% है, 10 लाख से ऊपर 30% है, 10% वाली स्लैब हट चुकी है। लेकिन अभी एक न्यू रिजाइम आया था इस साल के लिए, इसमें ये है कि कुछ ऑप्ट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते, दोनों ही इसमें बात हैं। ये सेक्शन है आपकी 115 BAC, सेक्शन पूछ सकता है, ये इसी साल आया है, न्यू रिजाइम है, ये आपका ऑप्ट कर सकते हैं सैलरी HUF के लिए, ओनली एप्लीकेबल इंडिविजुअल एंड HUF। सेक्शन 115 BAC न्यू रिजाइम आया है, ये एप्लीकेबल होगा ओनली इंडिविजुअल और HUF के लिए। कुछ स्लैब में हमने इसमें चेंजेस किए हैं। अभी तक ये था कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा, लेकिन उस पर भी 87A का रिलीफ था। मीन्स करंट रिजाइन बताता हूँ मैं आपको, ओल्ड रिजाइन, ये कह सकते हैं ओल्ड रिजाइन, HUF, ठीक है, अप टू निल टू 5 लाख 5% मीन्स 12,500 रुपये टैक्स। ₹1 लाख 30% जो भी है, ठीक है। ओल्ड रिजाइम ये है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनेगा, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स के हिसाब से 12,500 रुपये टैक्स लगेगा, 5 लाख 1 रुपये जैसे ही होता है, मैं 5 लाख डॉट पे तो 5% है, लेकिन 5 लाख 1 रुपये होते ही ये कौन सी माना जाएगा, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन, टोटल इनकम मीन्स आफ्टर डिडक्शन, ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने चैप्टर 6 की डिडक्शन लेस कर दी, जो भी हमारे खर्चे लेस कर दिए, टोटल इनकम 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं,
टोटल इनकम अगर मेरी 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख तक 5% टैक्स है 12,500 रुपये। 5 लाख 1 रुपये होते ही 10 लाख तक 20% लगेगा 1 लाख रुपये, और 10 लाख से ऊपर मेरा 30% स्लैब है। लेकिन यहाँ ओनली इंडिविजुअल और एचओ के लिए 87 की रिलीफ दी हुई है, जीरो टैक्स मीन 12,500 रुपये की। गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक आती, 5 लाख आती है, आपका टैक्स तो बनेगा 12,500 रुपये, लेकिन मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट 87A की रिलीफ देगा 12,500 रुपये की और टैक्स हो जाएगा जीरो आपका। लेकिन ये कह दिया अगर टोटल इनकम आपकी 5,01,000 रुपये हो जाती है, 1 रुपये बढ़ जाती है मात्र 1 रुपये, तो कोई टैक्स की रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा 12,500 रुपये पे। किसी भी एसएससी की मान लो 5,10,000 रुपये आपकी टोटल इनकम आ रही है, सारे डिडक्शन लेस करके 10 रुपये के पीछे उसको 12,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4% फेस, मीन 500 रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट के ड्रॉबैक रहा, कोई अगर पर्सन टैक्स पे करना भी चाहे 2,000-3,000 रुपये तो वो नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो 5 लाख तक इनकम दिखाता है तो वैसे गवर्नमेंट उसको माफ करे टैक्स का, और 5,01,000 रुपये होते बोलते हैं भाई 13,000 रुपये करो, तो किसी भी एसएससी के लिए इस कोविड-19 में कोई इतना टैक्स पे कर नहीं कर सकता कि 13,000 रुपये वो पे कर पाए। ये आपका ओल्ड रिजाइम हो गया। अब आता है न्यू रिजाइम। न्यू रिजाइम क्या कहता है? टैक्स रेट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, ये अप टू, ये आपसे पूछ सकता है कि क्या स्लैब रेट है, निल। टोटल इनकम है सर, यहां भी फाइव परसेंट ठीक है। ₹15,25,000 आपका न्यू रिजाइम जो बनाया है गवर्नमेंट ने, एक सेक्शन 115 BAC पूछ सकता सेक्शन आपकी, किसके लिए एप्लीकेबल बनाया है? ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, पार्टनरशिप फर्म कंपनी इनके लिए किसी के लिए भी नहीं है, ना कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए। टोटल इनकम अगर आपकी 2,50,000 रुपये, कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% स्लैब दे रखी है इसके अंदर, कि आपको 2.5 लाख से अगर 5 लाख रुपये की इनकम है तो 5%, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10%, 7,50,000 1 रुपये से लेके 10 लाख तक 15%, 10 लाख 1 रुपये से लेके 12,50,000 रुपये तक 20%, 12,50,000 रुपये से लेके 15 लाख रुपये तक 25%, और एवर 15 लाख से लेके ऊपर 30%। लेकिन ओल्ड रिजर्व में क्या था, 10 लाख रुपये से ऊपर होते इनकम हमारी 30% स्लैब में थी, और 5 लाख से लेके 20 लाख रुपये के बीच में आपकी सीधी 20% थी। लेकिन ओल्ड और न्यू में ये दोनों सेम है, ओल्ड और न्यू में दोनों सेम है, लेकिन यहां तक ओल्ड में 20% ठीक है, और ये पूरे पे
या 30%। ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस रहा? 5 लाख तक तो सेम है आपकी इनकम, ओल्ड में जाओ न्यू में जाओ दोनों में सेम है। 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में ओल्ड रेंज में 20% है, लेकिन यहाँ दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको बाइफिकेट किया दो में, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख 10%, 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15%, और 10 लाख रुपये से ऊपर होती ओल्ड रेंज में 30% आपकी स्लैब रेट आती है, लेकिन यहाँ तीन टुकड़ों में बांट दे 20, 25 और 30। अब सुनो, इसमें कंडीशन डाली है 115 BAC में। ओल्ड में आपको सभी को पता है कि 5, 20 और 30 है, 10% वाली स्लैब हटा चुके हैं, मुझे इसमें 80C की सारी डिडक्शन मिल जाएंगी, 1,50,000 रुपये की LIC हुआ या कुछ भी हुआ, सैलरीड पर्सन वालों को सारे कंपेंसेटरी अलाउंसेज HRA वगैरह सारे क्लेम कर सकते हो ओल्ड रिजाइन में। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की क्लेम सेक्शन 24 ओल्ड रिजाइन में क्लेम कर सकते हो, लेकिन न्यू रिजाइन में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो। पूछ सकता है कि सर अगर किसी भी SSC ने न्यू रिजाइन अप्लाई किया है या एक्सेप्ट किया है, क्या वो इन इन चीज़ों को ले सकता है? सर इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि न्यू रिजाइन में कंडीशंस एक्सेप्ट करने की। BAC नॉट अप्लाई या नो डिडक्शंस। आप जब टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे न्यू रिजाइन के लिए, तो आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। फर्स्ट 80C चैप्टर 6A की डिडक्शंस, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 80 CCA CCD 2 और 80 JJAA। ठीक है, सेकंड HRA स्टैंडर्ड डिडक्शंस सैलरीड वालों के लिए, LTA चाइल्ड अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेज, उस पर हम चर्चा करेंगे। परक्यूजिट्स, फैमिली डिडक्शन और फैमिली पेंशन, पंद्रह परसेंट मिलते हैं मेरे को फैमिली पेंशन डिडक्शन। ठीक है, अगर आप न्यू रिजाइन में एक्सेप्ट करते हो तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी चैप्टर सिक्स में आपको ATC ATD मेडिक्लेम LIC प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन्स कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपके लिए, रेंट की भी नहीं मिलेगी इसमें कोई भी डिडक्शन, आपको ATIA BCD कोई कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट CCD 2 और ATJJAA को छोड़ के। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की कोई भी डिडक्शन आपको अप्लाई नहीं होगी ना मिलेगी, जो 2 लाख रुपये की आपको मिलती है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वो डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू रिजाइन में। HRA नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए HRA नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये क्लेम नहीं होगी, लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा,
चाइल्ड अलाउंस नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस को भी आपको कोई अच्छी पोस्ट पर होता है सैलरीड पर्सन को हेल्पर अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। परक्यूजेट्स, परक्यूजेट्स में जैसे कार की फैसिलिटी हुई और कुछ काफ़ी सारी फैसिलिटी होती है कि जो डिपार्टमेंट देता है एसएससी के लिए, सॉरी एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई के लिए। डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन 15% जो डिडक्शन मिलती है अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ अलाउंसेज जिसमें आपको अप्लाई होते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट कन्वेंस, ट्रैवल कंपनसेशन, ये अलाउड होंगे आपके। अलाउएबल अलाउंसेज ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट कन्वेंस ट्रैवलिंग वाले आपको एक्चुअली ही मिल पाएंगे जितने आपको वहाँ से रिमर्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है जो 1500 रुपये थे अभी आपको स्टैंड डिडक्शन में 50,000 रुपये दी थी। पहले ये था कि कन्वेंस अलाउंस 1500 रुपये मैक्सिमम आपको अलाउड होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि सर आप मतलब फेक था तो एक फिक्स अमाउंट कर दी 40,000 का, जो अभी 50,000 कर रखा है इन्होंने। पहले 40,000 का था ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को मिला के, अभी 50,000 स्टैंड डिडक्शन के लिए बोल दिया, लेकिन वो ओल्ड रिजाइम में आपको, न्यू रिजाइम में आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपको कौन कौन से अलाउंसेज आपको मिलेंगे इसके अंदर और ये ओल्ड न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं कि ये ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अप्लाई होता है, इसमें स्लैब रेट आपको अलग अलग दे रखी हैं। सेक्शन बीएससी के 115 बीएससी के अंदर आता है क्या क्या चीज़ आपको अलाउड नहीं है, आपको क्या नहीं अलाउ है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का अलाउ नहीं है, आपको एचआरए क्लेम नहीं कर सकते हो, एलटी नहीं कर सकते हो, स्पेशल अलाउंसेज अलाउ नहीं है, परक्यूजेट रूप में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आगे बढ़ नहीं है इस चीज़ के लिए। और आपके 80 सबसे बड़ी बात होती है चैप्टर 6A की डिडक्शंस जो आपके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसके अंदर, ओनली CCD2 पश्चिम से उठाकर 80JJAA को छोड़ के आप कुछ भी इसमें अलाउ नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना, आज मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ आज मैंने क्या पढ़ाया। आज की क्लास में हमारा एडवांस टैक्स था जिस पर 234 ABC में बताया मैंने आपके लिए एडवांस टैक्स कब एप्लीकेबल होता है, 234C में आपके लिए क्या कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है इसके लिए, ड्यू डेट्स क्या है इसके लिए 234C में कब एप्लीकेबल होता है हमारे पर 234C। दूसरा बताया मैंने आपके लिए TDS टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज, एडवांस टैक्स और TDS दोनों सेम रहते हैं। एडवांस टैक्स जो होता है वो एसएससी खुद जमा कराता है, TDS हमारा पैसा काट के हमको दिया जाता है और वो सामने वाला जमा कराता है, क्रॉस चेक कि हमारा जो टैक्स है वो सामने वाला जमा करा रहा है और एडवांस टैक्स हम खुद जमा करा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस यही होता है। TDS कब जमा कराना होता है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th ऑफ सक्सेसिव मंथ। मार्च का TDS कब जमा कराना होता है ये मैंने आपको इस क्लास में बताया। TDS की रिटर्न फाइलिंग कब होती है, क्वार्टरली होती है, क्या ड्यू डेट्स रहती हैं, उस पेनल्टी प्रोविजन क्या रहते हैं TDS रिटर्न फाइल करने के। अगर मैंने TDS डिपॉजिट नहीं कराया है ड्यू डेट्स पे तो उसके पेनल्टी प्रोविजन क्या है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो मैंने आज की क्लास में बताया कि अगर मैंने TDS जमा डिडक्ट तो कर लिया, सामने वाले का पैसा मैंने अपने पास रख लिया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया उसके बिहाफ पे, तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट है, तो मैंने आज की क्लास में बताया आपको। या TDS की लायबिलिटी मेरे पास थी लेकिन मुझे नहीं पता कि TDS की लायबिलिटी, मैंने अब TDS जमा नहीं कर पाया, TDS नहीं काटा, मीन्स April 2021 में मेरे पास TDS की लायबिलिटी थी कि इसका मैंने और उसको पूरा पेमेंट कर चुका हूँ, TDS की लायबिलिटी को काटना चाहिए था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद जब उसका पेमेंट दूसरा ड्यू बिल हुआ है कोई भी हो जब मैंने काटा, तो 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ आपको TDS पूरा काटोगे और उसको जमा कराओगे, ये मैंने बताया उसको इंटरेस्ट की पेनल्टी क्या है इसके लिए। तीसरा इंटरेस्ट TDS का किस फर्म पर एप्लीकेबल होता है कि TDS जो 44AD और 44ADA में रिटर्न फाइल कर रहा है उसके ऊपर TDS की लायबिलिटी नहीं आती, सैलरीड पर्सन के लिए ऊपर TDS की लायबिलिटी नहीं आती कि वो डिडक्ट करके जमा कराएगा, ये TDS की लायबिलिटी के ऊपर आती जो ऑडिट जिस फर्म की ऑडिट हो रही हो या किसी प्रॉपर्टरशिप फर्म की ऑडिट हो रही हो या कंपनी की ऑडिट हो रही हो, तो TDS की लायबिलिटी हर किसी के ऊपर नहीं आती कि TDS डिडक्ट करके जमा कराए किसी भी पार्टी का इस चीज़ के लिए। और ये बताया कि एक, हाँ आज की क्लास में मैंने ये भी बताया कि ओल्ड और न्यू रिजाइम, ओल्ड रिजाइम ये तक कि मेरी एग्जम्पशन लिमिट क्या है मेरी,
जैसे ओल्ड एज में 2,50,000 तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं जमा कराना, 2,50,000 से लेकर 5,00,000 तक मुझे टैक्स जमा कराना है 5%। लेकिन इंडिविजुअल एंड HUF के लिए उस पर 87A की रिलीफ दी हुआ है, 87A की रिलीफ दी हुआ है कि आपको 12,500 रुपये का टैक्स बना तो है 5,00,000 रुपये तक, ओनली अप टू 5,00,000.5 लाख तक, लेकिन हम आपको उसकी रिलीफ दे रहे हैं 87 की 12,500 रुपये की, आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना। 5,01,000 रुपये से लेके 10,00,000 तक 20% स्लैब और अबव 10,00,000 से आपको 30% स्लैब। गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने सारे डिडक्शन लेस किए चैप्टर 6A के जो भी हैं, आपकी टोटल इनकम 5,01,000 रुपये भी हो जाती है तो आपको 87A की रिलीफ नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गवर्नमेंट का कि अगर कोई भी SSC 2,000 या 3,000 रुपये जमा भी कराना चाहे टैक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 5,00,000 रुपये तक आपका टैक्स तो बनना 12,500 रुपये, लेकिन मैं आपको 87A की रिलीफ देता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से छूट, तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना, लेकिन आपकी टोटल इनकम 5,01,000 रुपये हो जाती है तो मैं भाई पूरा टैक्स ले लूँगी 12,500 रुपये का, 87A की रिलीफ नहीं मिलेगी। तो कोई भी SSC ये नहीं चाहता कि ठीक है मेरा 5,10,000 रुपये होती तो मैनिपुलेट कर लेता है इनकम में कि ठीक है 10 रुपये कम हो जाए मेरी इनकम, क्योंकि मैं 13,000 रुपये टैक्स जमा नहीं कराया, 12,500 रुपये प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो मैं 13,000 रुपये मेरे पास नहीं है। आज कोविड का टाइम है, अब वैसे इनकम किसी की बहुत कम है, सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट होकर आ रही है, बिजनेस भी थोड़ा कम है, तो इस तरीके से ओल्ड और न्यू रिजर्व में ये, और न्यू रिजर्व में आपको एक सेक्शन पूछ सकता है, न्यू रिजर्व अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है कि मैं किस चीज़ को क्लेम कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता, तो मैंने आज आपको इस क्लास में आपको आज बताया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।